क्या हेलो फ्रेंड्स मैं विक्रांत चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में हम एग्जामपुर कलम से क्रांति कैसे हैं आप बच्चा लोग जल्दी से जुड़ जाएगा जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कोई क्लास नहीं होगी तो आज उनके लिए मैं बता दूं पूरी क्लास आपके एक घंटे की क्लास चलेगी बच्चा और आज आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा तो एक बार जल्दी से जुड़ जाएगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून राम राम जी शुभ संध्या शुभ प्रभात जी ग्यारह बजे दिन से स्टार्ट होने वाला था नहीं जी रितेश रोशन जी कभी भी ग्यारह बजे के लिए टाइम नहीं बोला था आपकी रात में नौ बजे से आपकी मैराथन क्लास होगी ठीक है और यहां पर आपकी मेरी जो डेली चलने वाली क्लास आपके आई है जनरल साइंस की तो कैसे हैं आप जल्दी से एक बार जल्दी से बच्चा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा शानदार तरीके से जानदार तरीके से बहुत अच्छे जल्दी से जुड़ जाएगा बच्चा जो भी क्लास के अंदर लेट जुड़े हैं एक बार जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर प्रणाम जी गुड आफ्टरनून शुभ संध्या राम राम जी नमस्ते प्रणाम राधे राधे जय श्री राम सभी बच्चों का स्वागत है हमारी क्लास के अंदर तो बच्चा बिना समय गवाते हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ तैयार हो जाइएगा आप आंसर देने के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चा तो बताइएगा तैयार हैं क्या आप जल्दी से बताएगा बच्चों सभी कमेंट करके मुझे बताएगा आर यू रेडी जल्दी से बच्चा क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं शानदार जानदार तरीके से जल्दी से सभी बच्चे बहुत अच्छे सभी बच्चे एक बार जल्दी से मिलकर के कर दीजिएगा वीडियो को शेयर बहुत शानदार तरीके से आर यू रेडी बच्चों जल्दी से आंसर दीजिएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा जल्दी से जी यस 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 थैंक यू चलिएगा तो बच्चों चलते हैं मैम लगाइएगा पहला क्वेश्चन आपके लिए बच्चा आज क्वेश्चन नंबर ज्यादा और पूरी एक घंटे की क्लास आपके लिए होगी जो क्लास आपकी चलेगी चार बजे तक ठीक है तो उसी हिसाब से क्वेश्चन भी ज्यादा है आप आंसर दीजिएगा जल्दी से शानदार तरीके से जानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर एक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आप आंसर देने के लिए तैयार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एक लगाइएगा जल्दी से और सभी बच्चे एक बार मिलकर के जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को शेयर निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी महिलाओं को पुरुष की तुलना में आसानी से प्रभावित करती है विच ऑफ दिजीज इफेक्ट ऑफ हार्ट अटैक है या आर्थराइटिस यानी कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करती है दिल का दौरा हेपेटाइटिस संयुक्त गठिया या आर्थराइटिस जल्दी से बताएगा बच्चों बहुत शानदार तरीके से बहुत अच्छे और जल्दी से एक बार कर दीजिएगा वीडियो को शेयर आंसर आता हुआ ए आंसर आता हुआ सी आंसर आता हुआ बी आंसर आता हुआ डी लेकिन अभी तक भी सही आंसर कुछ ही बच्चे दे पाए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इफेक्ट वुमेन इजिली देन दैट ऑफ मैन हार्ट अटैक हेपेटाइटिस जॉइंट जॉइंट आर्थराइटिस या आर्थराइटिस बहुत अच्छे जो भी क्लास के अंदर लेट जुड़े हैं बच्चों एक बार जल्दी से मिलकर के वीडियो को शेयर कर दीजिएगा शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर एक ऐसा कौन सा रोग है बच्चा जो महिलाओं को ज्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा तो इसका सही आंसर जो आएगा बच्चा वो आएगा आपका आर्थराइटिस यानी कि डी आंसर ठीक है जिसको हम बच्चा गठिया बोलते हैं और गांव की अपनी लैंग्वेज में सिंपल एक बीमारी बोलते हैं बच्चा बाय और ये गठिया आर्थराइटिस जो व्यक्ति के अंदर हो जाता है बच्चा ये लैक्टिक एसिड के जमा होने से आपका होता कौन से एसिड से लैक्टिक एसिड जब व्यक्ति के जोड़ों पर आपका लैक्टिक एसिड जमा होने लग जाए एक उम्र के बाद और आपका ये कैसी बीमारी है कि उम्र से संबंधित आपकी होती है तो महिलाओं के अंदर आपकी बाय जो होती है वो ज्यादा पाई जाती है तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा डी आंसर आर्थराइटिस चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जल्दी से आंसर दीजिएगा जल्दी से जो भी बच्चे लेट जुड़े हैं जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा शानदार तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर दो पिट्यूटरी ग्रंथी कहा लोकेटेड इन ब्रेन किडनी लिवर इंटेस्टाइन जल्दी से बताएगा जो भी क्लास में जुड़े हो बच्चा एक बार जल्दी से जय बिहार का नाम लेकर के कर दीजिएगा वीडियो को शेयर पिट्यूटरी ग्रंथि में कहा स्थित होती है दिमाग गुर्दा जिगर आंत पिट्यूटरी बच्चा ये तो मैंने कल भी पढ़ाया था परसों आपको अगर आपने मेरी क्लास ली होगी बायोलॉजी की तो उसमें पूरा पढ़ाया था मैंने आपकी कि कहां पर आपकी ग्लैंड पिट्यूटरी आपकी उपस्थित होती है बच्चा चलिएगा क्वेश्चन नंबर दो पहले बच्चा पिट्यूटरी के बारे में दो तीन चीजें समझ लीजिएगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है बच्चा ये आपके होती है कहां पर मस्तिष्क में तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन क्या सही बन जाता है आपका ए आंसर तो क्वेश्चन नंबर दो का क्या बन जाएगा मस्तिष्क या ब्रेन और बच्चा जहां पर आपकी स्थित होती है उस हड्डी को बोल रहता है बच्चा स्फेनाइड नाम की हड्डी में आपका उपस्थित होती है क्या पिट्यूटरी इसका कुल वेट जो होता है जीरो पॉइंट सिक्स ग्राम होता है इसका आकार जो होता बच्चा मक्का के दाने के इक्वल आपका आकार होता किसके बराबर मक्का के दाने के बराबर और इसका मेनली काम क्या होता है पिटूट्री ग्लैंड का बच्चों जितने भी आपके हार्मोन्स होते हैं उनको नियंत्रित करती है आपके पिट्यूट्री ग्लैंड इसीलिए इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड क्या बोला था मास्टर ग्लैंड और हिंदी में इसी को कहा जाता है बच्चा पीयूष ग्रंथि भी इसी को कहा जाता है ठीक तो है 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 ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड तो होती 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 आपकी मस्तिष्क में में नाम की की हड्डी ग्राम इसका वेट होता मक्का के दाने के दाने आकार पूरे हार्मोंस को नियंत्रित करती इसीलिए क्या कहते हैं मास्टर ग्लैंड इसको बोला जाता है का ले रहे हैं का आपको दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके लिए बच्चों से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर है ये हमारे हड्डियों और दांतों को आमतौर पर बनाया जाता है ट्राई कैल्सियम या हाइड्रोलिट जल्दी से बताएगा अवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ किसके द्वारा बनाया जाता है बच्चों एक बार जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर और आज शाम को नौ बजे से बिहार के लिए मैराथन क्लास स्टार्ट होगी बहुत अच्छी से अवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ किसके द्वारा हमारे दांत और हड्डियां बनी हुई होती हैं नरेंद्र सिंह जी कोई भी राजस्थान की क्लास बंद नहीं हुई है लेकिन आज यूपी टेट का वो था पेपर का रिजोल्यूशन सॉल्यूशन तो वो करवाया था इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी कल डॉक्टर के गया हुआ था इसलिए क्लास नहीं हो पाई है कोई क्लास आपकी बंद नहीं हुई है बहुत अच्छे किसके द्वारा बने होते हैं ट्राई कैल्सियम या आपका हाइड्रोलिस बहुत अच्छे तीन तो का ज्यादातर फॉस्फ्रेट जिसको बोला जाता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बिल्कुल सही आंसर है बच्चा इसका ट्राई कैल्शियम फॉस्फ्रेट की आपकी हड्डियां और वो बनी होती है और बच्चा कैसे रंग की होती है आपकी व्हाइट रंग की आपकी होती है ठीक है कैसी वाइट रंग की चलिएगा तो बिल्कुल सही है बच्चा ट्राई कैल्शियम फास्फेट आपका क्या होता है ट्राई कैल्सियम फॉस्फेट ये आपका बिल्कुल इसका रासायनिक सूत्र बन जाएगा सी ए थ्री फोर इन टू और इसको ट्राई बेसिक कैल्सियम फॉस्फेट भी बोला जाता है ट्राई बेसिक भी इसको बोल देते हैं तो घबराना मत इसका सही आंसर आप लोगों ने दिया चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है बच्चा जल्दी से बहुत अच्छे जो भी बच्चे लेट जुड़े जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई क्वेश्चन नंबर चार क्लास आज पूरी एक घंटे की चलेगी बच्चा क्वेश्चन ज्यादा है आज आपके लिए डेली से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दीजिएगा जल्दी से आंसर क्वेश्चन नंबर चार अंगोरा ऊन किससे निकाली जाती है अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम खरगोश भेड़ फोक्स गोट जी जल्दी से बताएगा अंगोरा ऊन किससे निकाली जाती है खरगोश भेड़ लोमड़ी बकरी जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चा शानदार तरीके से अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है रैबिट सीप फोक्स लोमड़ी या बकरी बहुत अच्छे अंगोरा ऊन बच्चा निकाली जाती है आपकी अंगोरा नाम की रैबिट से किससे अंगोरा नाम का आपका खरगोश होती है एक प्रजाति होती है बच्चा जो आपकी निकाली जाती है जो सबसे ज्यादा मात्रा में चीन और चिली देश में आपकी पाई जाती है कहां पर चीनी चीन और चिली देश में आपकी अंगोरा किस्म की रैबिट पाई जाती है और उसी से अंगोरा किस्म की नऊन निकाली जाती है तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा आपका खरगोश चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर पांच क्वेश्चन नंबर पांच आ गया बच्चों जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर पांच शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर पांच आ गया बच्चा आपके लिए शीप नहीं है खरगोश है बेटा शीप नहीं है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन खुली हवा में उजागर होने के बाद कौन सी लकड़ी बेकार हो जाती है नरम लकड़ी रेशेदार लकड़ी गीली लकड़ी या कठोर लकड़ी विच वुड विल बीकम यूज लैस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर सॉफ्ट वुड फाइब्रेस वुड वैट वुड या आपका हार्ड वुड जल्दी से आंसर दीजिएगा बहुत अच्छे सभी बच्चे दीजिएगा जल्दी जल्दी आंसर नरम लकड़ी रेशेदार लकड़ी गीली लकड़ी कठोर लकड़ी क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर विच वुड विल बीकम यूज लैस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द एयर आर सॉफ्ट फाइब्रास, फाइब्रस वुड या आपका हार्ड वुड बहुत अच्छे सभी बच्चे एक बार मिलकर के जल्दी से कर दीजिएगा बच्चा वीडियो को लाइक और शेयर जो भी क्लास के अंदर लेट जुड़े हो चलिएगा तो बच्चा इस क्वेश्चन ने आप सबका हिट विकेट उड़ा दिया बेटा हिट विकेट कर दिया इस क्वेश्चन ने आपको सबको ठीक है इसका सही आंसर जो आएगा बच्चा सी आंसर आएगा वेट वुड क्या आएगा वुड या आप क्या कहेंगे इसको गीली लकड़ी बच्चा ओपन एयर में रखने से गीली लकड़ी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया कर लेगी ठीक है और उस कारण से आपकी जल्दी खराब हो जाएगी इसका आंसर जो भी दे रहे थे रेशेदार लकड़ी वो आपकी ज्यादा खराब नहीं होगी तो इसका सही आंसर क्या बनेगा वेट वुड चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स आलिया बच्चा जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर छह बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचालन में मदद करता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बच्चा इस क्वेश्चन की हिंदी में थोड़ी मिस हो गई है तो आपको रक्त के संचालन में मदद नहीं करना आपको आंसर देना कि लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी है यानी कि निम्न में से कौन सी वृहत एंटीबायोटिक है आपको यह आंसर देना है बच्चा तो इसका रक्त में संचालन ये आपके हिंदी वर्जन इसका गलत हो गया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसी के अनुसार आंसर दीजिएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पेसारा सिटामोल पेनिसिलिन एम्पीलिसिन क्लेरोफिक फ्रिनिकोल क्या होगा सिवंगी चलिएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बच्चा रक्त के संचालन वाला हिंदी में मत मत पढ़ना इसका आंसर चलिएगा मैं बता दूं बच्चा लार्ज स्पेक्ट्रम आपकी क्या होती हैं दवाइयां लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बच्चा क्या होती है यह आपको समझने की जरूरत है एंटीबायोटिक आपकी ऐसी होती है जब बच्चा गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों पर काम कर सके कुछ डिजीज आपकी गुड बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है और कुछ डिजीज आपकी बैड बैक्टीरिया तो ऐसी दवाई जो आपके दोनों पर आपका प्रभावी हो उसको बोला जाता है लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और एम्पीसीन जो है आपकी इसी प्रकार की एंटीबायोटिक की श्रेणी में आती है तो इसके अनुसार क्वेश्चन का सी आंसर बिल्कुल सही बन जाता है क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सात क्वेश्चन नंबर सात बच्चों जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर सात का आंसर दीजिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर सात निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है एरिथ्रोसाइट ब्लड प्लेटलेट्स मोनोसाइट लिम्फोसाइट, विच अमंगस इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एरिथ्रोसाइड ब्लड प्लेटलेट्स मोनोसाइट लिम्फोसाइट जल्दी से बताएगा क्वेश्चन नंबर सेवन है ये बच्चा यार जल्दी से एक बार मिलकर के सब शेयर कर दीजिएगा क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं उसके बावजूद भी ऐसा कर रहे हैं जल्दी जल्दी करिएगा Which among the following helps in circulation of blood? निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है ब्लड प्लेटलेट्स मोनोसाइट या बहुत अच्छे सभी का सही आंसर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सात का डी आंसर बिल्कुल सही है बच्चा जो होता है वो आपका क्या करता है आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का में मदद करता है किसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में मदद करता है बच्चा क्या लिंफोसाइड तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा आपका डी जो आपके सभी बच्चों ने सही दिया जानदार तरीके से शानदार तरीके से चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आठ क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर दीजिएगा जल्दी से बच्चा क्वेश्चन नंबर आठ किन निम्नलिखित तत्वों में से कौन पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है मैगनीज बोरोन कॉपर और मोलिबेंडम विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीज द एब्जॉर्बन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स कि निम्नलिखित तो में से कौन आपका पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है जल्दी से आंसर दीजिएगा निम्नलिखित तत्वों में से कौन पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है मैग्नीज बोरान कॉपर और मोलीबेंडम जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों शानदार तरीके से और जो भी क्लास में लेट जुड़े हों वो एक बार जल्दी से मिलकर वीडियो को लाइक और शेयर कर हुए साथ के साथ ही बहुत अच्छे बोरो आंसर मैग्नीज़ आंसर बांसर कॉपर आंसर चलिएगा तो बच्चा मैक्रोन्यूट्रिय में आपका बहुत सारे न्यूट्रिएंट आते हैं तो इसमें आपका जो कैल्शियम और मैग्नीज के लिए जो आपका आपका होता है कैल्शियम एंड वाटर के लिए जो आपका काम करता है उसका नाम होता है बच्चा बोरॉन बोरॉन एलिमेंट का यही कार्य है कि एब्जॉर्बन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा सी आंसर बी आंसर जो क्या दिया वो आपका बोरान ठीक है तो इसका सही आंसर क्या बी आठ का चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन नंबर नाइन आ गया आपके लिए शानदार वाला क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है खमीर सहवाल कवक लाइकेन पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यीस्ट एल्गी फंगस लाइकेन जी बी आंसर आता हुआ बी आंसर आता हुआ किसी बच्चे का आंसर सी आता हुआ डी आता हुआ किसी बच्चे का सी आंसर आता हुआ बहुत अच्छे जो भी क्लास के अंदर लेट जुड़े हैं सब मिलकर के एक बार जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर भाई शानदार तरीके से बच्चा क्वेश्चन नंबर नाइन है पेनिसिलिन किससे आपका निकाला जाता है तो इसका सही आंसर क्या आएगा सी कवक आपका निकाला जाता है बच्चा जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आपका फंगस से आपका प्राप्त किया जाता पेनिसिलिन की खोज जो करी थी बच्चा 1928 में करी थी किसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसने करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपकी करी थी और पेनिसिलिन की खोज के लिए 1945 में इनको मिला था बच्चा नोबल प्राइज क्या मिला था प्राइज मिला था 1945 में और पेनिसिलिन क्या है फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर्ड की गई थी किसके द्वारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा और ये बच्चा किससे प्राप्त हुई थी आपकी कवक से या किससे फंगस से और बच्चा जो औद्योगिक तौर पर जिसका प्रयोग किया जाता है वो है आपकी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम जो आपका औद्योगिक तौर पर हम यूज करते हैं ना फर्स्ट आपकी पेनिसिलिन तो क्या होती है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम इसको बोला जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसको पीसीएन के नाम से भी जाना जाता है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दस जो भी क्लास के अंदर लेट जुड़े हो भाई सब लोग मिलकर के एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर दस क्वेश्चन नंबर दस बच्चा और बच्चा मैं आपको बता दूं कल रात को कल शाम को मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक मैराथन स्पेशल साइंस की ओर लेकर हूं कम से कम भी सौ क्वेश्चनों की तो कल भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमार व्यक्ति में एंटीजन का क्या प्रभाव होता है विच इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एल इल पर्सन यह डब्ल्यू का उत्पादन बढ़ता है यह एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन को बढ़ाता है यह बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीसीरम का उत्पादन बढ़ाता है या बैक्टीरिया के विकास को रोकता है विच इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इज एन इल पर्सन बहुत अच्छे जल्दी से बताएगा क्या होता है बीमार व्यक्ति में एंटीजन का प्रभाव क्या है साफ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? थोड़ा क्वेश्चन जूम कर देना मैम विच इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन यह डब्ल्यू का उत्पादन बढ़ाता है एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन को बढ़ाता है बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीसीरम का उत्पादन बढ़ाता है या आपका बैक्टीरिया के विकास को रोकता है बहुत अच्छे जो भी क्लास के अंदर बच्चे लेट जुड़े हों सब मिलकर के एक बार जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर शानदार तरीके से क्या करता है बच्चा आपका बीमार व्यक्ति में एंटीजन जो होता चलेगा चलिएगा तो इसका आंसर जो मैं बता दूं आपको इसका आंसर आएगा बच्चा ए एंटीजन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चा क्या प्रतिजन बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रतिजन एंटीजन ऐसा होता है जो बच्चा बीमार में व्यक्ति के अंदर पावर बढ़ा देता है या बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है और उसके लिए आपकी क्या होता है भी क्या होती है आपकी प्रतिजन के तौर पर कार्य करती है या बीमारियों में लड़ने के लिए मदद करती है जब भी व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित होता है तो उस कंडीशन में डब्ल्यू बीसी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और डब्ल्यू बीसी की मात्रा जो बढ़ती है वो किसके कारण से बढ़ती है आपकी एंटीजन की तो इसलिए इसका सही आंसर क्या बात जाता है ए आंसर ठीक है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर इलेवन जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा आज की क्लास नहीं होगी बच्चा आज सीधी साइंस की क्लास हुई आपकी ठीक है पॉलिटी की क्लास रात में चलेगी मैराथन के तौर पर नौ बजे से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से यार सब मिलकर के एक बार जल्दी से कर दीजिएगा बिहार का नाम लेकर के वीडियो को लाइक और शेयर जय बिहार का नाम लेकर के क्यों बदनाम कर रहे हो बिहार के नाम को यार घरेलू विद्युत उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सुरक्षा फ्यूज तार कम धातु से बना होता है प्रतिरोध गलनांक, विशिष्ट गुरुत्व या प्रवाहक्त। सेफ्टी फ्यूज वायर यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायसेज इज मेड ऑफ मेटल ऑफ लो किसके गलनांक के कारण आपका बना होता है जी अजय प्रताप सिंह जी बेटा क्वेश्चन की थोड़ी डिटेल भी बतानी पड़ती है यार मैं आऊं या केवल आंसर देख जाऊँ आऊ आंसर देके के भग जाऊ मेरी आदत नहीं है बच्चा पढ़ाऊंगा तो पूरी डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा जिससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते रहे ठीक है घरेलू विद्युत उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सुरक्षा फ्यूज तार कम गलनांक धातु से बना होता है बिल्कुल सही आंसर है बच्चा इसका बी यानी कि आपका मेल्टिंग पॉइंट आपका जो होगा कम गलनांक होगा जैसे ही इसमें जरा सा भी टेम्परेचर आपका ज्यादा हो जाएगा या ज्यादा आपका क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो जाएगी तो वो गल जाएगी आसानी से और गल जाएगी तो सीधी सी बात है बच्चा उसका आगे आपका नहीं बढ़ पाने का है ठीक है तो कम गलनांक वाली धातु से आपका बना हुआ होता चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बारह आ गया आपके लिए जल्दी से आंसर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से जी बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है स्वेतः प्रेरण आपसी प्रेरण जनरेटर इन्वर्टर, ए ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन जनरेटर या इन्वर्टर। जल्दी से आंसर दीजिएगा किस पर काम करता है एक ट्रांसफॉर्मर बच्चा कुछ बच्चे इसका आंसर ए देते हुए कुछ बच्चे सी आंसर देते हुए कुछ बच्चे इसका डी आंसर देते हुए कुछ बच्चे इसका बी आंसर, आंसर देते हुए चलिएगा ए सी डी तीनों का आपका बेटा हिट विकेट उड़ गया इसका सही आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका बी आंसर बिल्कुल सही है जिसको बोला जाता आपका म्यूचुअल इंडक्शन क्या बोला था म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्शन ठीक है को बच्चा एक नाम और दिया गया अन्योन्य क्या होता है अन्योन्य प्रेरण जिसको बोला जाता है ये क्या करता है बच्चा दो काम करता देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है आपका अन्योन्य अन्य प्लस के अन्य यानी कि जो दो काम आपके एक साथ कर सके और जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है बच्चा ये आपको पता ही है क्या काम करता है दो काम करता है क्या हाई टू लो वोल्टेज करता है हाई टू लो और लो टू हाई ये दोनों काम करता है इसीलिए इसको बोला जाता है अन्योन्य ठीक है और ट्रांसफॉर्मर की जो बच्चा आविष्कार जो किया था वो किसने किया था आपका माइकल फेराडे नाम के वैज्ञानिक ने किया था किसने माइकल फेराडे तो इसका सही आंसर क्या बन जाता है आपका बी आंसर चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन आ गया भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन एसी सर्किट में एसी मीटर क्या मापता है इन एसी सर्किट्स एसी मीटर्स मेजर मीन वैल्यू आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू या मीन स्क्वायर वैल्यू जल्दी से आंसर दीजिएगा इन एसी सर्किट एसी मीटर क्या मापता है मीन वैल्यू आर एम एस वैल्यू पीक वैल्यू या मीन स्क्वायर वैल्यूज जी जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा बच्चा शानदार तरीके से कुछ बच्चे इसका आंसर डी देते हुए कुछ बच्चे इसका आंसर ए देते हुए लेकिन मैं बता दूं बच्चा एसी सर्किट में जो होता है उसका आंसर क्या आएगा आपका बी जो एसी मीटर आपका होता है वो आपकी आरएमएस वैल्यू को मापने के काम आता है तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा वी बी आंसर बिल्कुल सही है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा बच्चे शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आ गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बहुत अच्छे सभी बच्चे ने इसका आंसर बी दिया है बहुत अच्छे शानदार बच्चों चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा जल्दी से एक कंपास की सुई का उपयोग क्या पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा एक चुंबक की ध्रुवीयता एक चुंबक की शक्ति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जल्दी से बताएगा ए कंपास निडल कैन नोट बी यूज टू डिटेक्ट मैग्नेटिक नोट ऑफ डायरेक्शन पोलरिटी ऑफ मैग्नेट स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा दिमाग का बात है आराम से क्वेश्चन हो जाएगा अगर दिमाग से लगाओगे इसका चलिएगा बहुत अच्छे कुछ बच्चों ने इसका सही आंसर दिया सी आंसर बिल्कुल सही है पावर ऑफ मैग्नेट की पावर नहीं लगाई जा सकती बच्चा किससे कंपास से तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा सी चुंबक की शक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता किससे कंपास से कोई मतलब नहीं है कंपास से केवल आप क्या पता लगा सकते हैं उसकी दिशा लगा सकते हैं ध्रुव लगा सकते हैं और चुंबक आपका कहां रखा हुआ यह आप पता लगा सकते हैं लेकिन एक चुंबक की शक्ति आपका पता नहीं लगा सकते हैं चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर पंद्रह आ गया भाई जल्दी से बच्चों सभी मिलकर के एक बार जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर और जिसने भी अभी तक एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो एक बार सब मिलकर के एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ के साथ एग्जामपुर के द्वारा चलाए जा रहे बैंक के लिए बैंकपुर एग्जाम टेक्निकल के लिए चलाया हुआ टेकपुर एग्जाम आई एस पीसी के लिए चलाया हुआ आई एस पी सी एस एग्जामपुर और साथ के साथ टीचर की जितनी भी वैकेंसी होती है सबके लिए अपने एक अलग अलग चैनल का निर्माण किया गया एग्जामपुर के द्वारा तो जिसने भी जिस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सभी मिलकर के उन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तार के प्रतिरोध के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है यह तार के सामग्री पर निर्भर करता है यह स्वतंत्र रूप से तार की लंबाई के साथ आनुपातिक होता है यह तार के क्रोस सेक्शन के क्षेत्र से सीधे अनुपातिक है तापमान में वृद्धि के साथ धातु के तार का प्रतिरोध बढ़ता है इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर जल्दी से बताएगा बहुत अच्छे बी आंसर आता हुआ ए आंसर आता हुआ सी आंसर आता हुआ डी आंसर आता हुआ जल्दी से बताएगा चलिएगा तो बच्चा इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर पंद्रह का सी क्रॉस सेक्शन के आपका अनुपातिक नहीं होता जबकि वो उसकी लंबाई के अनुपात के अनुसार अनुपातिक होता है इसके अनुसार कभी भी प्रतिरोध आपका अनुपातिक नहीं हो सकता चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन लगाएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर सोलह बच्चों जल्दी से आंसर दीजिएगा थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा बच्चों चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा निम्नलिखित पदार्थों में से किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है शुद्ध सिलिकॉन तांबा नाइक्रोम प्लेटिनम फोर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसिस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर प्योर सिलिकॉन कॉपर नाइक्रोन प्लेटिनम जल्दी से दीजिएगा थोड़ा क्वेश्चन जूम कर दीजिएगा मैम फोर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसिज द रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर निम्नलिखित पदार्थों में किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है शुद्ध सिलिकॉन, तांबा नाइक्रोम प्लेटिनम जल्दी से बताएगा बच्चों शानदार तरीके से अभी करवा रहा हूं बेटा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कोई बात नहीं आप आंसर आपको दिखाई देगा जल्दी से सतेंद्र जी हिंदी इंग्लिश भी तो चल रही है बेटा हिंदी विवेक सर लेते हैं रोज आठ बजे आपकी आठ बजे आपके लिए रोज हिंदी की क्लास होती है और इंग्लिश ब्रिजेशर ने लिया और आज मैराथन में आपकी इंग्लिश लगेगी चलिएगा तो इसका सही आंसर आपने बिल्कुल दिया है बच्चा अल्ट्रा प्योर सिलिकन जो होता है बच्चा इसके आपका क्या होता है आपका अल्ट्रा प्योर सिलिकन इसमें क्या होता है बच्चा तापमान के वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध आपका कम होता जाता है और यह धातु के चालकता के गुण पर काम करता है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा जल्दी से ए आंसर बिल्कुल सही है सिलिकॉन चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आ लिया जल्दी से आंसर दीजिएगा निम्नलिखित में से क्या विद्युत प्रवाह को पारित करने के लिए आप शुद्ध पानी में मिलाएंगे विच वन अमलोइंग यू पुट इन टू प्योर वाटर इन ऑर्डर टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट कैरोन मस्टर्ड ऑयल लेमन जूस या शुगर मतलब विद्युत प्रवाह आपको चलानी है किसी भी पानी के मिश्रण में तो उसमें आप क्या मिलाएंगे पानी के साथ या तो मिट्टी का तेल या सरसों का तेल या नींबू का रस या आपका शुगर यानी कि चीनी चलिएगा तो कुछ बच्चे इसका आंसर डी देते हुए कुछ बच्चे इसका सी आंसर देते हुए कुछ बी इसका बच्चों सही आंसर जो आएगा आएगा वो क्या है? C, क्या आपका सी लेमन जूस बच्चा होती है इलेक्ट्रिक पॉजिटिविटी होती है इलेक्ट्रिक करंट इसमें आपका आसानी से प्रवाह का हो जाएगा तो इसका क्या होती है क्योंकि ये पॉजिटिव आपके होती है धनायन में आपका होगा और आसानी से आपकी लाइट गुजर जाएगी तो लेमन जूस इज द राइट आंसर चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अठारह क्वेश्चन नंबर अट्ठारह आ गया बच्चों आपके लिए जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर अट्ठारह बहुत अच्छे सी आंसर लेमन जूस मिलाने से आपका पानी आसानी में से लाइट गुजर जाएगी गुड इवनिंग जी जो भी बच्चे लेट जुड़े हैं सबको गुड इवनिंग राम राम जी नमस्ते राधे राधे जय श्री राम चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा निम्नलिखित में से किस जल में युक्त पानी दूषित होने की संभावना है ग्राउंड वाटर नदी का पानी तालाब का पानी या वर्षा का पानी फ्रोम विच वन अमंग द फॉलोइंग वाटर सोर्स द वाटर इज लाइकली टू बी कंटेमिनेटेड विद फ्लोराइड यानी कि इन चारों में से किसमें फ्लोराइड की संभावना ज्यादा है जो भी बच्चे क्लास के अंदर लेट जुड़े हैं सब मिलकर के एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा साथ के साथ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बहुत अच्छे चलिएगा तो डी आंसर आता हुआ लेकिन बच्चा इसका सही आंसर जो आएगा क्या आएगा ए आएगा ग्राउंड वाटर इज द राइट आंसर बच्चा फ्लोरीन की सबसे ज्यादा संभावना जो आपकी होती है बच्चा वो भूजल में उपस्थित होगी ठीक है क्या होगी फ्लोराइड और भूजल में आपका फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से व्यक्ति को बहुत सारे रोग आपके बन जाते हैं जिनमें से प्रमुख रोग होता है आपका दंत छय का रोग यानी कि दांत खत्म होने का या दांत टूटने का चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन mm -hmm. क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आ गया भाई मोती का मुख्य घटक क्या होता है व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल कैल्सियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट ओनली कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम सल्फाइट सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट ओनली मोती जो होता है बच्चा पर्ल जो होता जिसके है जिसके आभूषण पहनती हैं महिलाएं है जो आपकी बहुत अच्छे सुंदर दिखाई देते हैं वो उसमें आपका किस चीज का मिश्रण होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्युएट ऑफ अ पर्ल जल्दी से आंसर दीजिएगा महिलाएं बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं इसकी तरफ किसकी मोती की तरफ बहुत कॉस्टली आता है ये नहीं है चलिएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा बहुत अच्छे ए आंसर सी आंसर बिल्कुल सही बच्चा तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बन जाएगा नाइनटीन का वो बन जाएगा आपका ए कैल्सियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट लेकिन बेसिकली जो इसमें आपका होता है सी ए थ्री आपका होता है और मोती का जो निर्माण होता है बच्चा वो संघ कौन सा करता है आपका मोलस का संघ आपका होता है जिसको शुद्ध हिंदी में क्या बोला था मृदू कवची आपका बोला जाता है इसके द्वारा आपका किया जाता है और मोती जो होता है बच्चा किसके द्वारा बनाया जाता है ओएस्टर के द्वारा किसके द्वारा के द्वारा मोती का निर्माण किया जाता है और बच्चे जो आभूषण के तौर पर आप मोती देखते हैं जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध होते हैं यह पर तैयार होता है लेकिन यहां पर अगर हम बात करें प्राकृतिक मोती की बच्चा यह बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता बहुत ज्यादा महंगा होता है ठीक है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वो वाला मोती नहीं है जो दस दस बीस बीस रुपए की मिल जाती है माला आसानी से चलिएगा नाइन ट्वेंटी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बीस आ गया भाई जल्दी से आंसर दीजिएगा कार्बन के दो आइसोटोप के अनुपात का निर्धारण करके जीवाश्म की आयु का पता लगाया जा सकता है वे आइसोटोप कौन कौन से हैं C12, C13, C13, 14, C12, 14, C12 एंड C12 कार्बन ब्लैक एज ऑफ द बी फाउंड आउट बाय द डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ टू आइसोटोप्स ऑफ कार्बन द आइसोटोप्स आर चलिएगा बिल्कुल क्लास चल रही है तीन बजे से रूबी भारती जी चलिएगा तो इसका सही आंसर जो बन जाएगा बच्चा वो बन जाएगा आपका सी बारह और सी चौदह आपका क्या होता है फोसिल एज का जानने के काम आता है फोसिल एज के कारण किसका जिसको हम बोलते हैं बच्चा कार्बन डेटिंग विधि क्या बोलते हैं कार्बन डेटिंग विधि भी बोलते हैं इसमें आपका कार्बन के सी बारह और सी चौदह का प्रयोग किया जाता है ठीक है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फोसिल की एज जानने के लिए आपका ऐसा किया जाता बच्चा, C12 है बच्चा सी बारह और सी चौदह का और ये किसका आइसोटोप है आपके कार्बन के चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर इक्कीस क्वेश्चन नंबर इक्कीस का आंसर दीजिएगा जल्दी से निम्नलिखित में से कौन सी गैर विषैली गैस फल को पकाने वाले एंजाइम के निर्माण में मदद करती है एसिटिलीन इथेन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड विच ओ वन ऑफ मग द फॉलोइंग नॉन टॉक्सिक गैस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स विच रिपन फूट एसिटिलीन इथेन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड चलिएगा बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है एसिटिलीन बिल्कुल सही आंसर है बच्चा जो आपका कच्चे फलों को पकाने में मदद करती है अगर बच्चा ऑप्शन में आपका एसिटिलीन ना हो तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होता है आपका एथिलीन होता है अगर ऑप्शन में एसिटिलीन नहीं है और ऑप्शन में दोनों एसिटिलीन भी और एथिलीन भी तो आप भी आपका आंसर क्या होगा एथिलीन होगा चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चा आपका वर्मी कंपोस्ट क्या है ए कार्बनिक उर्वरक जहरीला पदार्थ जैविक जैव उर्वरक या आपका सिंथेटिक उर्वरक वर्मी कंपोस्ट इज एन ए इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर टॉक्सिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर या आपका सिंथेटिक फर्टिलाइजर जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 चलिएगा तो बिल्कुल सही है बच्चा वर्मी कंपोस्ट जो होता किसके द्वारा तैयार किया जाता आपके कैंचुओं के द्वारा किसके द्वारा कैंचुओं के द्वारा आपका तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा सी आंसर बन जाएगा जैविक जैव उर्वरक होता है फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है ठीक है मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता तो सही आंसर क्या बन जाएगा इसका सी आंसर चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री आंसर दीजिएगा जल्दी से ए उर्वरकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कार्बन लोहा बोरॉन मैग्नीशियम मैग्नीज सल्फर मैग्नीशियम जस्ता और लोहा और नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम द मैक्रो न्यूट्रिय प्रोवाइडेड बाई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर यानी कि ज्यादा मात्रा में किन उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है इसका आंसर आपको देना है बहुत अच्छे चलिएगा तो इसका सही आंसर जो बन जाता है बच्चा डी जिसे आप जानते भी हैं हम जानते हैं उसे एन पी के, के नाम से एन का मतलब क्या बन जाता है आपका नाइट्रोजन पी का मतलब आपका बन जाता है फॉस्फोरस और के का मतलब आपका बन जाता है पोटेशियम तो इसका सही आंसर क्या बन जाता है डी और ये क्या है आपके इनके बिना किसी भी फसल का यानी कि एक रासायनिक उर्वरक है बच्चा किसी भी फसल को सबसे ज्यादा इन खाद को लगाया जाता है जिसका नाम क्या है एनपीके चलिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर फोर्टी ट्वेंटी फोर थोड़ा जूम कर इस क्वेश्चन को परमाणु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एटम इज नोट करेक्ट परमाणु परमाणु हमेशा अणुओं के रूप में संयोजित होते हैं परमाणु वे मूल इकाई हैं जिनसे अणु और आयन का निर्माण होता है परमाणु हमेशा प्रकृति में तटस्थ होते हैं परमाणु बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं ऐसे पदार्थ का निर्माण करने के लिए जिसे हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं बहुत अच्छे चलिएगा तो इसका सही आंसर जो आएगा बच्चा सी आंसर इज द राइट आंसर आएगा कि हमेशा तटस्थ होते हैं जबकि परमाणु तटस्थ नहीं होते या तो आपके इस प्रकृति में होंगे या आपके उसमें होंगे तो ये न्यूट्रल आपके नहीं होते या तो ठीक है चलिएगा तो सी आंसर इसका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा मैम जल्दी से क्वेश्चन नंबर पच्चीस नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन नंबर पच्चीस हाँ क्वेश्चन नंबर पच्चीस बच्चा अरे क्वेश्चन नंबर 25 आ गया निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया सूर्य से ऊर्जा विकिरण का मुख्य कार्य होती है सल्यन फ्यूजन यानी कि विखंडन यानी कि फिजन केमिकल या आपकी डिफ्यूजन यह तो आसान क्वेश्चन आ गया आपके लिए तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग देते हुए इसका ए आंसर बिल्कुल सही है नाभिकीय है आपका स्रोत होता है किसका आपका सूर्य की ऊर्जा का जितना भी आपका ब्रह्मांड है ना पूरे ब्रह्मांड की अगर मैं बात करूं पूरे यूनिवर्स की बात करूं तो उसमें से जो, आपके एनिवर्स, जो आपका एनर्जी एनिवर्सरी रिलीज हो रही है, है? तो ये आज की आपकी क्लास थी कल हो सकता है बच्चा कल आपके लिए साइंस की एक मैराथन क्लास लगा दी जाए तो बताएगा कल स्पेशल साइंस की मैराथन क्लास लेने के लिए कौन कौन आएंगे कल जल्दी से बताएगा सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे कल साइंस की मैराथन क्लास कम से कम भी 100 क्वेश्चन जो बेहतरीन बेहतरीन होंगे उनके देखने के लिए कल कौन कौन आने वाले हैं सभी बच्चे बताएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स करके और शाम को करेंगे उसे रात में करेंगे छह से सात या सात से आठ ऐसे करके जल्दी से बताएगा सभी बच्चे कल कौन कौन आएंगे मैराथन में साइंस की जी हम यस जी यस जी नेक्स्ट नहीं है बच्चा क्वेश्चन खत्म हुए बेटा महिका चलिएगा तो फिर बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और आज रात में आपके नौ बजे आपकी बिहार की क्लास स्टार्ट होगी तो मिलते हैं जब भी चलिएगा तो जय हिंद जय जै भारत